हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम पॉलिटिक्स सीरीज स्टार्ट करेंगे और इसमें कोशिश करेंगे कि पॉलिटिक्स का सारा कुछ कवर हो जाए जिस जो कि हमारे यूपीएससी, एसएससी और अदर स्टेट्स एग्जाम्स में आते हैं। तो पॉलिटिक्स की इंपॉर्टेंस हमें पता ही है, प्रीलिम्स से लेके मेंस तक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने से पहले पॉलिटिक्स की डेफिनेशन जानना जरूरी है। अब पॉलिटी अगर एज ए डेफिनेशन जाए तो यह है स्टेट एज ए पोलिटिकल यूनिट, स्टेट एज ए पोलिटिकल यूनिट। अब इसका मतलब क्या है? अब पोलिटिक को आप समझिए कि स्टेज है, वो स्टेज पे रोल प्ले करने वाले डिफरेंट फंक्शनरीज है। अब ये फंक्शनरीज कौन है? ये फंक्शनरीज वो है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड किए, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, सर्विसेज एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये सब फंक्शनरीज है। और ये सब जो रोल प्ले करते हैं, मतलब स्टेज पर जो भी इनके फंक्शंस होते हैं, जो भी रोल इन्हें सेट किए गए हुए हैं, ये सब अपने अपने रोल्स प्ले करते हैं। तो ये पूरा जो सेटअप है, एक ये पूरा जो एक ड्रामा है टू सर्व द पीपल, इसे हम कहते हैं पॉलिटी। ओके, अब इंडियन पॉलिटी समझने से पहले हम देखते हैं कि इंडियन पॉलिटी का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। अब इसके लिए सबसे पहले देखते हैं कंपनी रूल, जो कि 1773 से लेकर 1858 तक चला है। अब इसे कंपनी रूल क्यों कहा गया एंड रेगुलेटिंग एक्ट्स क्या होते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो फर्स्ट टाइम इंडिया में लागू किया गया था वो क्या है? अब 1600 में रेगुलेटिंग एक्ट का ये बैकग्राउंड हम जान रहे हैं। 1600 में कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिला था ब्रिटेन की क्वीन से। अब इस चार्टर में था कि कंपनी इंडिया में ट्रेड कर सकती है, बट ट्रेड के साथ साथ कंपनी इंटरनल मैटर्स में, इंटरनल पॉलिटिक्स में इंडिया की ज़्यादा इंटरफेयर करने लगी थी। 1757 में हमने देखा कि बैटल ऑफ प्लासी थी एंड 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, ईस्ट इंडिया कंपनी विनर थी। अब इन दोनों वॉर्स के ज़रिए ईस्ट इंडिया कंपनी के पास काफ़ी रिवेन्यू आया था, जिससे कि जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे, जो ऑफिसर्स थे, वो काफ़ी करप्शन करने लगे थे इंडिया में भी और ब्रिटेन में भी। एंड इतना सारा रिवेन्यू होने के बाद भी 1772 में कंपनी ने लोन के लिए अप्लाई करा ब्रिटेन में। अब यहाँ से ब्रिटेन को पता लगा कि कंपनी तो काफ़ी करप्शन कर रही है, तो ये सब रेगुलेट करने के लिए ब्रिटेन लेके आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब इसके हम कुछ प्रोविजंस जान लेते हैं कि 1773 एक्ट क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब हमने इसका बैकग्राउंड जान लिया है कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था। अब इसके हम देख लेते हैं कुछ फीचर्स क्या है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लेड फाउंडेशन फॉर सेंट्रल आर्म इन इंडिया। हाउ? इट क्रिएटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और गवर्नर ऑफ बंगाल थे जो, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया। बॉम्बे मद्रास प्रेजिडेंसीज है, वो भी सबॉर्डिनेट टू बंगाल प्रेजिडेंसी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सेटअप कर दिया था टू रिपोर्ट इट्स रिवेन्यू सिविल मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, मीन्स कीप कम्युनिकेटिंग केटिंग टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। इट ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड ए सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा। ये कुछ मेन प्रोविजन थे इसके। देन एक अमेंडिंग एक्ट आया 1781 में, इट एग्जेम्प्टेड गवर्नर जनरल एंड काउंसिल फ्रॉम ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारा कैलकटा में इस्टेब्लिश किया गया था। इट ऑल्सो एम्पावर्ड गवर्नर जनरल इन काउंसिल अगेन इन बंगाल टू फ्रेम रेगुलेशंस ऑफ प्रोविजनल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स। देन हमारे इसके बाद है पिट्स इंडिया एक्ट, इट डिस्टिंग्विश्ड कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। अब कंपनी थी पिट्स इंडिया एक्ट से पहले कमर्शियल मीन्स ट्रेडिंग भी कर रही थी एंड पॉलिटिकल फंक्शंस भी कर रही थी, बट पिट्स इंडिया एक्ट ने ये दोनों सेपरेट कर दिए। अब ये सेपरेट कैसे किए? इसने क्रिएट किया एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो था ही पहले टू मैनेज कमर्शियल अफेयर्स। फॉर फर्स्ट टाइम जो ब्रिटिश पोजेशंस कहा गया है, जो कि कंपनी की थी इंडिया में। देन केम चार्टर एक्ट 1793, इट गेव ओवरराइडिंग पावर टू गवर्नर जनरल ओवर हिज काउंसिल। और इस टाइम पे कॉर्नवालिस थे मेंबर्स थे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, एंड द स्टाफ टू बी पेड ऑफ इंडियन रिवेन्यू, इंडियन रिवेन्यू एंड नॉट ब्रिटिश रिवेन्यू। देन कैन चार्टर एक्ट 1813, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, इट अबोलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट टी एज इट इज सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर कंपनी टेरिटरीज। Allowed the Christian missionaries to come to India. Also,
1 लाख रुपीज़ फॉर एजुकेशन इंडिया, ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्संस। आफ्टर दैट इन 1833 केम चार्टर्ड एक्ट फॉर द सेंट्रलाइजेशन इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ऑल सिविलिटरी पावर्स टू हिम, हैंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज कमर्शियल बॉडी एंड मेड इट प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। इट ऑल्सो अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सेक्शन ऑफ सिविलियंस, बट कंप्लीट ओपन कॉम्पिटिशन केम इन 1853। हम देखते हैं चार्टर एक्ट 1853, इसके क्या प्रोविजन्स थे और क्या फीचर्स थे। दिस एक्ट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल। ओके, प्रोवाइडेड फॉर एडिशन ऑफ सिक्स न्यू मेंबर्स प्रोवाइड किए थे, जिसे कि लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स टू द काउंसिल कहा गया था। और यहाँ से हमारी स्टार्टिंग हुई थी मिनी पार्लियामेंट की, या फिर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की। लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज ट्रीटेड एज ए स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। लेजिस्लेशन को स्पेशल फंक्शन कहा गया था। इससे पहले क्या था कि जो हमारा जनरल्स काउंसिल था वही एग्जीक्यूटिव था, वही लेजिस्लेटिव था, तो उनको कंबाइन था, सब कुछ एक ही था। और इसने इंट्रोड्यूस एन ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम, जो कि 1833 में इंट्रोड्यूस किया था ओपन कॉम्पिटिशन, बट एक्चुअल में लागू नहीं किया गया था। एंड 1853 में फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस ओपन कॉम्पिटिशन ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज के लिए। साथ ही में लोकल रिप्रेजेंटेशन टू इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी इंट्रोड्यूस की गई थी, बट ये लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन थी। अब लास्ट टाइम देखते हैं आज का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, यहाँ से कंपनी रूल का एंड होता है और इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली इंडिया में रेगुलेट करती है थ्रू वेरियस चार्टर एक्ट्स एंड इंडियन काउंसिल एक्ट्स। इट ट्रांसफर्ड पावर ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रिवेन्यू टू ब्रिटिश क्राउन। यहाँ से कंपनी रूल ख़त्म होता है और सारी पावर ब्रिटिश क्राउन के पास आती है, और ब्रिटिश क्राउन के आने के बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी ख़त्म हो जाता है और न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एस्टेब्लिश कर दिया जाता है, जिसके 15 मेंबर्स होते हैं एंड वन सेक्रेटरी। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड कमेंट करना ना भूलें।